बड़े सौभाग्य का विषय है कि सत्संग चालक जी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में आए और आज एक विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, जिसमें एक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। पिछले लगभग 200 सालों में हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र तीन प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है। भारत के इतिहास, भारत की फिलॉसफी, भारत की जो धर्म धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक विश्वास थे, उनके बारे में जो कुछ लिखा, उसका प्रभाव और प्रयास ये था कि इसका एक बहुत ही नकारात्मक छवि भारतीय धर्म के बारे में आगे बढ़ाई जा सके। तो ये एक बड़ी भारी चुनौती रही, चाहे वो मैरन कैथरीन की किताब हो, मदर इंडिया, या बाकी सब वो हो, या और जिन लोगों ने ये कह के कि वो भारत के धर्म ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में उनका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत ही एक मैकेनाइज्ड, एक बड़ी मैकेनाइजेशन के अंदर में उसका एक बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया, और उस रिप्रेजेंटेशन का प्रभाव भारत के बाहर, भारत की छवि और भारत के धर्म और भारत की आस्थाओं के बारे में एक बड़ी नेगेटिव, ये एक स्तर के ऊपर में चुनौती थी जो अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी जो नई पुस्तक आई है जिसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये उसी परंपरा की श्रृंखला का एक नया रूप है। एक दूसरा था, वो था भारत के लोगों का मनोबल और अपने ही विश्वासों, अपने ही पास्ट, अपने ही उसमें उनकी आस्थाओं को कमजोर करना और उनको अपने धर्म के बारे में, उनको अपने पूर्वजों के बारे में, अपने अपने इतिहास के बारे में, बजाय इसके कि वो गौरवान्वित हों, उनको एक फीलिंग ऑफ नेगेटिवनेस या फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी उनमें डेवलप की जाए। उसका प्रभाव यह भी था कि सामाजिक संरचना के अंदर में जो सामाजिक विघटन संभव हो, उसको जहां तक बढ़ावा दिया जा सके, तो उसके आधार पर ये ड्रेविडियन थ्योरी, आर्यन थ्योरी, ये जातिवाद वगैरह के बारे में, इनको एक इस रूप में प्रकट किया गया कि भारत के लोग स्वयं उसका विश्वास करने लगे और उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे उससे हम आज तक ग्रसित हैं। और तीसरा था, राजनीतिक तरीके से इन सब चीजों का लाभ उठाकर देश को एक ऐसी उसमें डालना जिसमें कि ये अपनी स्वतंत्रता के लिए या उसके लिए वो संगठित ना हो सके और अलग अलग तबकों को, अलग अलग हिस्सों को वो ये कर सके, और ये बात चलती रही। और उन्होंने सोचा कि शायद भारत हमेशा के लिए एक उपनिवेशवाद के अंदर में एक परमानेंट कॉलोनी ब्रिटेन की रहेगी। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, देश का ही बड़ा वो था कि पिछली शताब्दी के जो 1900 के लेट उसके पीरियड के अंदर में एक नई जागृति देश के अंदर में पैदा हुई। स्वामी विवेकानंद जी, अरविंद वगैरह, इन लोगों ने जो एक जागृति पैदा की, उन्होंने इन तीनों स्तरों पर कोशिश की थी कि हम भारत की छवि को संसार में, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की छवि संसार में, अपनी आस्थाओं की, अपनी प्रतिभा की बात सारे संसार तक पहुंचाएं, एक स्तर पर वो था। एक दूसरा बैटल फ्रंट था जिसमें कि हम देश के अंदर में, समाज के अंदर में जो देश के लोग हैं, इनके अंदर अपने स्वाभिमान, अपनी धर्म के प्रति जागरूकता और अपना एक संगठन पैदा कर सकें, और तीसरा कि एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करके हम इस राष्ट्र को, राष्ट्र के निर्माण में एक संगठित राष्ट्र, संगठित समाज के द्वारा एक आजादी का प्रयास कर सकते। आजादी का प्रयास तो कामयाब हुआ, लेकिन ये लड़ाई जो जिसके जिस ट्रैप में हम फंसे थे, उसमें हम आजादी के बाद भी हम उससे आजाद नहीं हुए, और इसके बारे में कुछ प्रयास हुए और कुछ प्रयास
दूसरी दिशा में हुए, जिन्होंने यहां पर हमारे ही बुद्धिजीवियों ने इस बात को कमजोर करने की कोशिश की। और उसके दो प्रमुख कारण थे। एक प्रमुख कारण तो यह था कि स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक ढांचा था, जिस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर में डेवलपमेंट या ग्रोथ विचारधारा की होनी थी, वो पूरे के पूरे पाश्चात्य अनुभव के आधार पर बनाई थी विचारधाराएं थी, चाहे वो साम्यवाद की तरफ लेफ्ट ओरिएंटेशन की तरफ थी, चाहे वो पूंजीवाद या राइटिस्ट ओरिएंटेशन की तरफ थी। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द वेस्ट था, ये हिंदुस्तान का 7000 साल का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर में वो पॉलिटिकल एंड सोशल थ्योरीज एंड पॉलिटिकल थॉट का सृजन हुआ। उससे जो उसका जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि एक ऐसा बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास पैदा हुई कंट्री के अंदर में, जिसने कि उन जो कि पहले वेस्ट के इंटेलेक्चुअल ने जिस काम को किया था उससे भी ज्यादा एक गंभीर रूप में इसको हिंदुस्तान को अंदरूनी तरीके से कमजोर करने की इस प्रकार एक एक इंटेलेक्चुअल मुहिम शुरू की। देश में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि अगर हम एक राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र, एक भारत निर्माण की बात करते हैं तो उसके लिए भारत की विचारधारा को बदलना आवश्यक होगा। और भारत की विचारधारा तभी बदलेगी जब भारत का हर मनुष्य, जब भारत का हर नागरिक अपने आपकी आइडेंटिटी के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, हमारा एक कॉमन पास्ट है उसको एक कॉमनली शेयर करे, और हमारा जो फॉरन जो एक फ्यूचर का विजन है उसको शेयर करे, तभी हम एक संगठित राष्ट्र के रूप में बन पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। कई लोगों ने इस पर प्रयास किए हैं, कुछ प्रयास बड़े सराहनीय भी हैं, लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए था शायद उतना अधिक प्रयास नहीं हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्व राजनयिक और फॉरेन सर्विस में काम करते हुए भी डॉक्टर ओपी गुप्ता जी बहुत इस बारे में जागरूक रहे हैं, उन्होंने इसका बहुत अध्ययन किया है, और उन्होंने आज एक पुस्तक जो है यहाँ पर बनाई है, एक डिफाइनिंग हिंदुत्व, और उसमें उसको परिभाषित करने की कोशिश की है। हालांकि मेरा अपना विचार यह है कि यह डिफाइनिंग टर्म ही अपने में हिंदुइज्म को लिमिटाइज करता है, हिंदुत्व को लिमिटाइज करता है, क्योंकि मापदंड एक बड़ी भारी ट्रैप होता है कि आप किस चीज को किस चीज से नापेंगे। अब आपने अगर सॉलिड चीज को नापा कि एक किलोग्राम है, लेकिन लिक्विड किलोग्राम में नहीं नापा जाता, उसकी इकाई फर्क होती है। जहां पर डिफाइनिंग होता है वहां पर सीमाएं निर्धारित होती हैं। हिंदू धर्म का फिलोसॉफिकल बेस यह है कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, अगर वो डिफाइन हो जाता है तो वो लिमिटाइज हो जाता है। इसको शुरू किसने किया, इसकी किताब कौन थी, इसका वो क्या था, ये तो एक इवॉल्विंग परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए आप चलते रहिए, और जहां भी आपको सत्य वो होता है वो शाश्वत होता है, और उस वो प्रक्रिया अनंत समय तक चलती रहती है। और बहुत कुछ हमें मिला और बहुत कुछ मिल रहा है और भविष्य में भी आएगा। हम रोज वो ये शुरू ये इस प्रकार से है जैसे मैं समझता हूं, लेकिन मैं कोई इसका बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं हूं, कि जो जिस धर्म के आधार के ऊपर ये सारी संरचना सृष्टि का निर्माण हुआ वो तो तब भी सही थी जब किसी को इसका ज्ञान नहीं था, और जब तक ये चलती रहेगी तब भी सही। मनुष्य को ये पता नहीं था पहले कि शायद मेरे मरने के बाद में मेरी मृत्यु जो है अवश्यंभावी है, जो सोचता था कि ये तो मर गया शायद बाकी जिंदा रहेंगे, लेकिन किसी दिन उसको करीबन 24,28,000 साल के बाद ये पता लगा मनुष्य को कि नहीं, जो भी जिसकी भी जिसको भी जीवन मिलता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जब उसको ये पता लगा तो उसने कहा कि ये एक सत्य उसे पता लगा कि ये जीवन जो है ये क्षणभंगुर है। ये नहीं कि इसके पहले ये सत्य नहीं था, सत्य तो पहले भी था, जब इसका ज्ञान हो गया तो उसको हमने एक डॉक्ट्रिन के रूप में माना और ये धर्म का भाग बन गया। तो धर्म के अंदर में वो सारे सत्य हैं जो कि सनातन धर्म से सनातन रूप से हमेशा चलते आए हैं, जो हमेशा इस प्रकृति के अंदर में है, और उनका रिविलेशन कुछ लोगों ने जिस आधार पर किया कि कोई उनको इस तरह रिविलेशन हुआ कि कोई ये हुआ, कुछ ने अपने अनुभव के आधार पर किया। हिंदू उसके अंदर में इवोल्यूशन जो है अनुभव के आधार पर हुआ, लेकिन वो अनुभव केवल भौतिक अनुभव ही नहीं, केवल बौद्धिक अनुभव ही नहीं, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की भी एक होती, जो कि हम कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के बाहर
जो हमारी इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जिसके आधार के ऊपर में हमारे को अनुभव होते हैं और इन अनुभवों के आधार पर हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये एक इवॉल्विंग वो है, हम इसको डिफाइन नहीं करना चाहते क्योंकि हम इसके डायनेमिज्म को रोकना नहीं चाहते, इस धारा का प्रवाह को रोकना नहीं चाहते, ये बढ़ता रहेगा। और इसके अंदर में जो चीजें सिद्ध हो चुकी हैं, जो वो हमारे धर्म का भाग है, वो शाश्वत है। जो वेदों में उपनिषदों में जो चीजों को हम लोगों ने वो किया और आत्मसात कर लिया है, वो हमारी एक धरोहर ही नहीं, वो हमारी हिंदू धर्म की धरोहर नहीं, वो सारी मानवता की धरोहर है, वो सारी प्रकृति की धरोहर है, क्योंकि वो सत्य है, सत्य है, क्योंकि वो सत्य है तो वह शाश्वत है, तो वह सब पर लागू है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जो भी मनुष्य, हमारी हर प्रार्थना जो है वो सारे मानवता के लिए है, हम इस धर्म को एक कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल मानते हैं और वो सब पर लागू होता है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपनी पुस्तक के अंदर में हमारे एम्बेसडर गुप्ता साहब ने प्रेषित किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन में इसका विमोचन करने का फैसला किया और सत्संग चालक जी ने यहाँ पर आकर इसको करने की वो की। मैं उनसे प्रार्थना करूँगी पुस्तक का विमोचन करें। धन्यवाद।